एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कॉग्निजेंट की तरफ से एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले ही आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करती हूँ, इसका लोकेशन जो है वो हैदराबाद दिया हुआ है और ये वर्क फ्रॉम होम में है। लेकिन यहाँ पर एक तरीका है जिसके थ्रू में आप, अगर आप हैदराबाद से बिलोंग नहीं भी करते हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या तरीका है ये मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो यहाँ पर जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का नाम क्या है। तो ये प्रोफाइल है प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का है, नॉन वॉइस से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा लोकेशन जो है वो हैदराबाद है। और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो ओपनिंग्स है वो काफी अच्छी है, नियर अबाउट 200 यहाँ पर ओपनिंग्स है। तीसरी अच्छी बात इस प्रोफाइल की ये है कि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और तो और इन लोगों ने यहाँ पर मतलब ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर मोस्ट वेलकम रहेगा, मतलब एक्सपीरियंस कैंडिडेट की यहाँ पर जरूरत है नहीं। तो अगर आप फ्रेशर हो और एक अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, सैलरी यहाँ पर थोड़ी सी कम है, आई एम एग्री विद दैट, नियर अबाउट 2 लाख का ही यहाँ पर पैकेज है। लेकिन क्वालिफिकेशन भी उसी तरह से इन लोगों ने मांगा है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक यहाँ पर इन लोगों ने एक ऐसा कहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन जो है आपका वो 2017 से लेकर 2021 के बीच के है तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, मतलब 2017 की अगर आप पास आउट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इसके क्राइटेरिया के बाद। अब बात करते हो कि इन लोगों का प्रोफाइल क्या है, मतलब आपको यहाँ पर एक्चुअल में डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल इन लोगों ने क्या मांगा हुआ है। तो देखो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, जैसे मैंने कहा 2017 से लेकर 21 के बीच के पास आउट होने चाहिए। फ्रेशर्स हो मोस्ट वेलकम रहेगा आपका। देन आपके पास में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, क्योंकि नॉन वॉइस से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर नॉन वॉइस से रिलेटेड भी हो तो आपको टाइपिंग स्पीड जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, जिसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% यहाँ पर होनी चाहिए। डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल आपका सॉरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ में आपके जो कोई भी आपके जो पास आउट के सर्टिफिकेट्स है सेमेस्टर वाइज वो आपके पास में होना चाहिए। अलोंग विद दैट आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसका इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए इन लोगों ने कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपका एक एचआर का फोन स्क्रीनिंग होने वाला है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है, एएमसी से कैट टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर एक आपका ऑपरेशन राउंड होने वाला है जो कॉग्निजेंट की तरफ से होगा। ठीक है, और जो लास्ट रहने वाला है वो होगा आपका एचआर का फाइनल राउंड। ये 4 राउंड होने के बाद में ये सब कुछ जो प्रोसेस रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहने वाला है। मेक श्योर वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी है तो आपके पास में एक अच्छा खासा लैपटॉप होना चाहिए, स्पीक आपके जो माइक होना चाहिए आपके पास में एक, आपके हेडफोन्स होने चाहिए। और मेक श्योर कि आपका जो वीडियो क्वालिटी रहेगा वो भी काफी अच्छा रखो, क्योंकि मोस्टली आपका जो काम रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपके पास में इसके लिए होने चाहिए। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं कि आपके जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, तो जैसे हर एक नॉन वॉइस प्रोफाइल का काम रहता है उसी तरह का कस्टमर की क्वेरीज का सॉल्व करना होगा। देन आपका लेकिन जो कोई भी है वो नॉन वॉइस से रिलेटेड है, इसीलिए आपके पास में बस कम्युनिकेशन स्किल और आपका टाइपिंग स्पीड, ये दो ही चीजें यहाँ पर बहुत मैटर करने वाली है। ठीक है, तो अगर आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, एज क्राइटेरिया इन लोगों ने कहीं का नहीं दिया है, बट लेकिन पास आउट जो है वो आपका 2017 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले अगर आप होते हो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बात करती हूँ यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक एचआर का नंबर शेयर किया है और एक ईमेल एड्रेस शेयर किया। आपको क्या करना है, तो आपका जो सीवी है वो डायरेक्टली यहाँ पर सेंड आउट करना है। ठीक है, जब आप सेंड कर लेते हो तो विदिन 7 to 8 days आपको यहाँ से कॉल बैक आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो हैदराबाद से बिलोंग नहीं करते वो लोग यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते। तो देखो, हमेशा एचआर का एक क्वेश्चन आ जाता है कि विल यू रिलोकेट टू हैदराबाद। तो देखो, ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होने तक तो एटलीस्ट 6 महीने 1 साल के लिए तो ये वर्क फ्रॉम होम में रहने वाला है। तो एटलीस्ट शुरुआत के लिए आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मैं रिलोकेशन के लिए तैयार हूँ। जैसे ही 6 महीने का एक्सपीरियंस आपके पास में आ जाता है तो आप स्विच कर सकते हो, वो कंपनी छोड़कर आप दूसरी जगह पर चले जा सकते हो। राइट, आई एम मुझे पता है ये इतना इजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको देखना है कि इंटरव्यू के राउंड्स कैसे होते हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, हायरिंग्स कैसे चलती है, और इसी तरह से आपके लोकेशन पर जब ऐसी वैकेंसी आ जाती है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो बस हैदराबाद का लोकेशन है ये सोचकर अप्लाई नहीं करना है, ये मत करो।
रिलोकेशन के लिए एटलीस्ट बोलने में क्या जाता है राइट, तो वो कर दो कि भाई चलो मैं रिलोकेशन के लिए तैयार हूँ और या वहीं से बिलोंग करता हूँ। जब आप फाइनल में चले जाते हो तब बोल देना अगर आप मतलब अगर आपको वो जॉब नहीं चाहिए तो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो।